फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्रिपरेशन। एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल एंड उसके एरिया एंड पैरामीटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इससे पिछले दो वीडियो में हमने स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एरिया एंड पैरामीटर डिस्कस किया था, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। एंड इस वीडियो में हम ट्रायंगल के एरिया एंड पैरामीटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। द पेरिमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर, व्हाट इज द थर्ड साइड। सो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा हमें उसमें करना क्या है। तो क्वेश्चन के हिसाब से वो हमें ये कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ओके, जिसकी दो साइड्स हमें गिवन है। एक साइड हो गई हमारी 12 सेंटीमीटर एंड दूसरी साइड हो गई हमारी 14 सेंटीमीटर। और पैरामीटर दे रखा है हमें। पैरामीटर क्या हो गया? साइड बाउंड्रीज या फिर साइड लेंथ, इट मींस ये साइड एरिया। तो ये पैरामीटर हमें गिवन है, दैट इज पैरामीटर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। और वो हमसे पूछ रहा है कि जो थर्ड साइड होगी वो कितनी होगी। सो क्वेश्चन में हमें दे रखा है टू साइड्स एंड पैरामीटर। अब हमें क्या निकालनी है? थर्ड साइड। तो इसको निकालने के लिए हम पहले लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है, ठीक है। सो पैरामीटर 36 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? दो साइड्स है, 14 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है? थर्ड साइड। तो जो हमें निकालना है उसे हम x कंसिडर कर लेते हैं कि थर्ड साइड इज इक्वल टू x, ठीक है। अब हमारी ये इक्वेशन फॉर्म हो गई, 36 सेंटीमीटर तो पैरामीटर दे रखा है और हमारे पास दो साइड है, एक 14 सेंटीमीटर दूसरी 12 सेंटीमीटर है। x क्या है? हमारी थर्ड साइड जो हमें निकालनी है। अब 36 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14 प्लस 12 इज इक्वल टू 26 हो गया। 26 प्लस x, कुछ नहीं किया हमने, बस यहाँ जो हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई उसे हम सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? x निकालना है। सो x को हम इधर ले आते हैं कॉज हमें x निकालना है। सो x इज इक्वल टू, अब 36 हमारा पैरामीटर था, 36 ऐसे लिख के रह देते हैं। अब हमें ये 26 यहाँ लाना है, लेकिन बीच में क्या है? इज इक्वल टू का साइन है। एंड ये रूल होता है, जब भी कोई चीज़ इधर साइड आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, जब भी किसी डिजिट के आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस माना जाता है, यानी ये प्लस 26 है। लेकिन जब ये इज इक्वल टू के इस साइड आएगा, यानी हम इसे यहाँ पे लाएंगे, तो वो माइनस हो जाएगा, से हो जाएगा माइनस 26। सो 36 माइनस 26 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो हमारी थर्ड साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। पहले इसे रिवाइज कर लेते हैं हमने जो किया है, और फिर हम इसे वेरीफाई भी करेंगे कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। सबसे पहले क्या किया हमें? थर्ड साइड निकालनी थी। क्वेश्चन में पैरामीटर गिवन था 36 सेंटीमीटर, दो साइड थी 14 प्लस 12, थर्ड हमें निकालनी थी तो हमने उसे x मान लिया जो हमें निकालनी थी, ओके। प्लस अब ये इक्वेशन फॉर्म हो गई, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 36 सेंटीमीटर, 14 में 12 प्लस किया, 26 प्लस x, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था? x, x इधर आ गया, 36 36, अब यहाँ से 26 यहाँ लाएंगे इज इक्वल टू के इधर लाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा तो ये माइनस हो गया, जब ये माइनस किया तो 10 सेंटीमीटर। अब अगर आपको वेरीफाई करना है क्या थर्ड साइन सच में 10 है, जो थर्ड साइड निकली है हमारी 10 सेंटीमीटर, इसे वेरीफाई करने के लिए हमारे पास ये पूरा ट्रायंगल बन गया 14 12 10। अब आप इसका पैरामीटर निकाल लो, पैरामीटर 36 है। अगर इस ट्रायंगल का पैरामीटर निकाला आपने और वो 36 आया, इट मीन सही है। पैरामीटर क्या होता है ट्रायंगल का? सम ऑफ ऑल साइड्स। इट मीन 14 प्लस 12 प्लस 10 अगर 36 है तो हमारा आंसर ठीक है, क्योंकि पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सो 14 प्लस 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो हमारी थर्ड साइड है वो करेक्ट है। सो दिस वॉज ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं है। अगर एक बार आपने इस तरीके की इक्वेशन फ्रेम कर ली तो अब इसे आसानी से निकाल सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू अ सेकंड क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स मूव टू अ सेकंड क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पर उसे सॉल्व करने से पहले ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ इसे सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। इट मींस एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो ये सब ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है, आप उसे जाके देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि उस वीडियो में सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट को समझा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं।
और ये क्वेश्चन वीडियो है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप इसे देख के ही सॉल्व कर लेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ, पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर क्या होता है? किसी भी फिगर की बाउंड्रीज, आउटर बाउंड्रीज, ठीक है। किसका पैरामीटर निकालना है? फर्स्ट पार्ट, अ ट्राइंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, एक ट्राइंगल है, दिस इज अ ट्राइंगल जिसकी हमें साइड्स दे रखी हैं और हमें पैरामीटर निकालना है। तीन साइड्स है, फर्स्ट 3 सेंटीमीटर, सेकंड 4 सेंटीमीटर एंड थर्ड 5 सेंटीमीटर। एंड पैरामीटर मैंने आपको बताया कोई भी आउटर बाउंड्रीज, इट मीन्स ये वाला पोर्शन, ठीक है। पैरामीटर निकालना है। इससे सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। सो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? सो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड, इट मीन्स साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। अगर आपको ये पता है तो आप इसे तुरंत सॉल्व कर सकते हो। साइड 1 5 सेंटीमीटर प्लस साइड 2 3 सेंटीमीटर प्लस साइड 3 4 सेंटीमीटर। सो 5 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो द पैरामीटर, दिस मीन्स आउटर बाउंड्रीज ऑफ दिस ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन में क्या टफ था? कुछ नहीं था। द मेन थिंग, जो इम्पोर्टेंट थिंग है, वो आपको ये पता होना चाहिए पैरामीटर होता क्या है, किस फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसी का सेकेंड पार्ट, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन ये आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल का मतलब क्या? इक्वल। सो एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ट्राइंगल, इसकी ये वाली साइड, ये वाली, मतलब सब साइड का मेजरमेंट एक ही हो, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, जो भी इसकी साइड्स हैं इक्वल हो। ट्राइंगल 3 टाइप्स के होते हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है, यानी वो ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल 3। अब कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये ट्राइंगल है, तो अगर इसके एक की साइड 7 है तो इट मीन सारी 7 होगी। सो दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ हमें क्या निकालना है? हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरामीटर निकालना है जिसकी साइड 9 सेंटीमीटर। सो एक ट्राइंगल है, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड दैट इज ऑफ 9 सेंटीमीटर, एंड हमें क्या निकालना है? पैरामीटर। सो व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल? क्या होता है? साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 ही साइड है हमारी, यानी 9 प्लस 9 प्लस 9। सो 9 प्लस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो इस ट्राइंगल का पैरामीटर हो गया वो 27 सेंटीमीटर हो गया। सो मैंने आपको पहले भी बताया है, इन तरीके के क्वेश्चनों में जो आपको चीज़ याद रखनी है वो है सिर्फ फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला पता हो तो वैल्यू पुट करके सॉल्व हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स मूव टू आर लास्ट एंड थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें निकालना है एरिया। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए, और वो सारे कंसेप्ट मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखे हैं, तो आप उसे जाइए एंड देखिए। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन विच बेस इज 25 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। बेस और हाइट क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। सो एक ट्राइंगल है जिसका हमें बेस दे रखा है, सो बेस इज अ दिस पार्ट, ठीक है, बेस हो गया। तो बेस क्या दे रखा है हमें? 25 सेंटीमीटर, और हाइट, हाइट इज द दिस वन। सो दिस इज अ ट्राइंगल जिसका बेस 25 सेंटीमीटर, यानी आधार 25 सेंटीमीटर है, एंड हाइट दैट इज 14 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई, ठीक है। सो इस ट्राइंगल के बेस एंड हाइट आर गिवन। हमें निकालना क्या है? एरिया। एरिया क्या होता है? इंटीरियर पार्ट, यानी ये हमें निकालना है, अंदर का पोर्शन। सो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का? हाफ, दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इट मीन्स 1/2 को बेस और हाइट से इंटू करेंगे, सो हमें एरिया मिल जाएगा। सो अब जो भी वैल्यूज है उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। कैसे? 1/2 इंटू बेस क्या दे रखा है हमें? 25 सेंटीमीटर, इंटू हाइट क्या दे रखी है हमें? 14। अब हम यहाँ सॉल्व करने में देखेंगे कि कोई वैल्यू किसी वैल्यू से कट हो रही है। 2 और 25 कट नहीं हो रहे हैं, 2 और 14 हो रहे हैं। 2 की टेबल में 14 चला गया 7 times, तो यहाँ 1 बचा। अब क्या बचा? 25 and 7। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 25 into 7, यू विल गेट 175, एंड द वैल्यू इज सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर, एंड ऑलवेज रिमेंबर एरिया में स्क्वायर आता है। सो क्या हो गया इस ट्राइंगल का एरिया? 175 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑल्दो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो आप उसमें वैल्यू पुट करके इसे तुरंत सॉल्व कर सकते हो। तो फॉर्मूला हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 इंटू बेस इज गिवन, हाइट इज गिवन, पुट कर दिया 25 इंटू 14, यहाँ पे उसे सॉल्व कर लिया, 2 से 14 कट हो गया, 7 बचा, 7 और 25 को मल्टीप्लाई किया, सो 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो गाइस दिस वाज द वीडियो ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हमने ट्रायंगल से रिलेटेड, एरिया और पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे और अगर आपको समझ में आया करे सो कमेंट्स करके बताइए। इससे हमें सपोर्ट मिलता है, पता चलता है कि आपको बातें समझ में आ रही हैं, सो फिर हम नए नए वीडियोस बहुत जल्दी और कुछ नया लेके आए। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग इट, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।